जिस पर्सन ने इतना मोटिवेट किया उसको सामने से देखने जा रहे हैं उसकी बहुत अच्छी फीलिंग है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, सब आसान है। I'm very excited and I've been his fan like from 12th standard boards and today I'm here just to discover myself more. इतना excited मैं रात से सोया नहीं हूँ, यहाँ 6 बजे आ चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा excited, आज क्या होने वाला है। मैं हमेशा देखती थी उनको वीडियो, बट आज सामने उनको देख के आई डोंट नो कि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है कि मैं उनको सामने से देखूंगी। 600 किलोमीटर्स ट्रैवल करके यहाँ आया मैं जस्ट फॉर दिस सेशन। अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। जो सपना था वो पूरा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा इच्छा थी इनसे मिलने की। सुबह से एकदम 4 बजे से उठ के ही बैठे ही है, बस जल्दी पहुँचे। पहली बार मेरे को ऐसा चांस मिला तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है कि सर से पहली बार मौका मिलेगा मिलने का, और बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर से मिलने के लिए, फाइनली ड्रीम कंप्लीट हुआ सर से मिलने का। मैंने तो पहली बार रजिस्ट्रेशन करा था और पहली बार में मिल गया, मैं तो काफ़ी खुश हूँ। पहली बार देखने का मौका मिलेगा सामने से, वो भी वीडियोस देखे बस मैंने तो अभी तक। मैं सर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मेरा तो एक ड्रीम था और मुझे ऐसा लग रहा है मैं ड्रीम केम थ्रू। Love you too, sir. सारे एक साथ ही बोलो ना, सब एक एक करके क्यों बोलो। बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक क्या है आज के हमारे सेशन का। टाइम की वैल्यू हम सबको समझ आती है कि हाँ टाइम एक बार हाथ से निकल गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, फिर भी हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन। हाँ इनको दे दो माइक। प्रॉब्ली द रीजन इज दैट वी प्रोकास्टिनेट अ लॉट एंड हम अपनी चीज़ों को तब तक टालते हैं जब तक उसकी डेडलाइन क्लोज नहीं हो जाती। सो लाइक वी जस्ट प्रायोरिटाइज एवरीथिंग एंड लीव ओवर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड जस्ट जो लास्ट वाली थिंग है वो करते हैं, अदर्स के लिए प्रोकास्टिनेशन चलती रहती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब तक कि वो डेडलाइन नहीं आ जाती है तब तक हम एक्ट नहीं करते हैं, ऐसा ही होता है ना। क्योंकि हम थियोरेटिकली कुछ भी बोलते रहे कि भाई टाइम की ये वैल्यू है वो वैल्यू है, बट हम प्रैक्टिकली करते कुछ और ही। प्लीज है बस, सबको पैसे की इंपॉर्टेंस तो पता है, क्या आप में से कोई भी है जो डेली उठ करके सुबह अपने पैसे को आग लगाता है? एनीबडी? कोई तो पागल होगा यहाँ पर। कोई नहीं है। पैसे की वैल्यू हमको पता है, 100-100 रुपए बचाने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाते हैं, अपना कितना टाइम खराब कर देते हैं। तो पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू है। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको अगर आप अपना टाइम खराब करते हो? तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल, 3 साल या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपको कितने का नुकसान होने वाला है, 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या है आज के टाइम में? क्या 5,000 रुपए महीना अच्छा पैसा है? अच्छा पैसे का मतलब क्या? हाँ, लाख रुपए महीना। चलो मान लेते हैं, इसी को हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं। कितने हैं आप में से जो अगले 10 साल बाद 1,00,000 रुपए महीने का कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं? कितने हैं जो ये कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मैं महीने का 50,000 रुपए भी कमा रहा होऊंगा तो बहुत है? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए, 10 साल बाद की बात हो रही है, तब तक इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी। अब कितने हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए तो बहुत है? कोई नहीं चाहता, सब अंदर से क्या चाहते हैं कि 1,00,000 रुपए महीने का है। बट कड़वा सच क्या है? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स, जीरो। कि कोई कुछ भी चाहता रहे, नहीं जीरो नहीं, जीरो कहां से आ गया?
बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स कि हमें पता है कि कितने लोग कितना कमाते हैं, उसके बेस पे अगर हम एक सेग्रीगेशन करें कि इंडिया में कितने लोग हैं, किस किस तरह के हैं और कितना कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो एक रियलिटी क्या है। यहाँ पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1 लाख या उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? कब तक सैलरी पे जी? अरे ये दर्दनाक आवाज कहां से आई? कब तक सैलरी पे जिएंगे? कहीं जॉब कर रहे हो आप आजकल? दिखाना जरा शक्ल, दिखाना कैमरे पे, आपके बॉस भी देखेंगे, देखो वो कहे कि हम तुम्हें आजाद करते हैं। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। अब आप लोग बीच में कमेंट मारोगे तो मैं भी थोड़ी सी तो लूंगा आप लोगों की, है ना। हम यहाँ पे देने के लिए आया। देखो मैं तो उस तरह का हूं नहीं। अगर आप में से कोई और है जिसका इस सब में इंटरेस्ट है तो आप इस सेशन के बाद में इनको संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम कहां पहुंच गए थे, अभी हम कहां पे थे? देखो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, एक लाख भी आता है भाई। हाँ, रियलिटी क्या है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% ने अपने हाथ ऊपर करे थे कि वो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। रियलिटी क्या है, 10-20% ऐसे लोग होंगे जिनका ये ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकियों का ये सपना ही रह जाएगा। तो क्या आप उस 10-20% में आना चाहते हो? यस और नो? यस और नो? यस सर। आना सब चाहते हैं बट आ कितने पाएंगे? देखो चीख तो सारे रहे हैं यहां पर, पूरी जान लगा यस सर, बट एक्चुअल में आ कितने पाएंगे? हार्डली 10-20%। जो डिजर्व करेगा वो आएगा, जो डिजर्व करेगा वो आएगा। अब डिजर्विंग कैसे बनते हो आप? क्या एकदम से बन जाते हो, ओवरनाइट बन जाते हो कि रात को सोए और सुबह उठे एकदम से डिजर्विंग हो गए? ऐसा होता है? कैसे बनते हैं डिजर्विंग? कि अगले 10 साल में जो आप करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। क्या करने वाले हो मतलब अपने टाइम को कैसे यूज करने वाले हो, कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है जो लिमिटेड है आपके पास में, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो, स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो या बेवकूफों की तरह करते हो या इसको वेस्ट करते हो? समझना ध्यान से, ऐसे बिजनेस में नहीं होता कि जो कैपिटल है उसको अगर ढंग से समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉपर ब्रेक डाउन करके कि इतना पैसा इसमें लगाना है, इतना प्रोडक्ट में लगाना है, इतना मार्केटिंग में लगाना है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है, अगर वो बंदा ढंग से प्लानिंग के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो चांसेस है कि जो उसकी कैपिटल है वो 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे, पता लगा बिजनेस की कैपिटल उसने अलग करी थी और उससे अपनी अय्याशी कर रहा है, तो क्या होगा? जीरो। ऐसे ही टाइम के साथ में कि जो 10 साल है ये आपकी कैपिटल हो गई एक तरीके से, इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप कैसे यूज करने वाले हो, ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है, उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया, वो वापस नहीं आने वाला। जैसे आप में से कितनों ने बिल गेट्स के बारे में सुना है, बिल गेट्स का नाम सुना है? सबने सुना है। उनके बारे में कहते हैं कि अगर उनका मान लो जेब से $100 का नोट गिर गया ना कहीं पर, $100 जो कितना हुआ 7000 रुपये नियर अबाउट, अगर वो गिर गया ना, जितनी देर में वो झुक करके उठाएंगे ना, उससे ज़्यादा का उनका नुकसान हो जाएगा, उससे ज़्यादा का उनका टाइम खराब हो जाएगा। ये उनकी कैलकुलेशन है, आपके लिए नहीं है। कहीं आपका भी 2000 का पत्ता गिर जाए, मेरा टाइम अब कैलकुलेट करो कि एग्जैक्टली आपके टाइम की क्या वैल्यू है आज की डेट में, बेस्ड अपॉन कि फ्यूचर में आप कहां पे हो। लाख रुपए महीना हो गया जिसके लिए आप मानो आप महीने में 25 दिन काम करने वाले हो, 4-5 दिन छुट्टी वुट्टी के हटा देते हैं,
तो एक दिन की आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 4,000 रुपए हो गई। दिन में 8 घंटे आप काम करने वाले हो, तो 1 घंटे की कितनी वैल्यू हो गई? 500 रुपए हो गई। तो आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज की डेट में आपके जो टाइम की वैल्यू है वो 500 रुपए घंटा है। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं या जो लाख रुपए महीने की बातें हैं ये सब हवा में है। एक्चुअल में आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर अपने टाइम को आज आप नहीं इस तरह से देख पा रहे हो तो। और ये मैं बात कर रहा हूं ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, इन द सेंस कि मैं कह रहा हूं 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपकी टाइम की वैल्यू है, लेकिन अगर आप सोचो अपने टाइम को इस तरह से नहीं यूज करते, यानी इतने कैपेबल नहीं बनते कि आपको लाख रुपए महीना आ सके, तो अगर आप पूरी लाइफ की कैलकुलेशन करो तो आपको कितने का नुकसान हो गया है? क्या सिर्फ लाख रुपए महीने का हुआ है? करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करोगे वही डिसाइड करेगा कि तब ये रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। तो 500 रुपए घंटा आज की रेट में आपके टाइम की वैल्यू है, 1 दिन की वैल्यू आज की रेट में आपकी 4,000 रुपए की है। अगर इस तरह से आप सोचने लग जाओ और इसको लिख करके लगा दो अपने घर में कहीं पे अलमीरा के अंदर, यहां वहां ये वो, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माई टाइम, कि अगर मैंने एक पूरा दिन आज वेस्ट किया अपना तो मेरा कितने का नुकसान हो गया? 4,000 रुपए का। इस तरह से अगर आप देखने लग जाओ ना तो अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है लाइफ के अंदर, चीजें प्रोक्रास्टिनेट होनी बंद हो जाती है, कल पे डालना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल पे आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। मैंने अपने पहले भी सेशन में ये बात बोली थी, आज दोबारा से बोलूंगा क्योंकि ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। अरे गरीब इंसान कैसे अपने जो है वक्त को भी और पैसे को भी कैसे, आपने बोल दिया कि हम ज्यादा पैसा खर्च कर अपने टाइम को बचा सकते हैं, लेकिन एक गरीब है वो स्टूडेंट है और दिल्ली में रहकर के पढ़ रहा है, उसके माँ बाप ज्यादा उसको नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उसकी, तो कैसे जो है अपने जो है टाइम को मैनेजमेंट करेगा और पैसों को साथ में लेकर के चलेगा? सवाल यहाँ पर गरीब और अमीर का नहीं है, सवाल है शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन का। क्या पास्ट में ऐसे लोग हुए हैं इस दुनिया में जो जिस भी डेफिनेशन को आप गरीब बोल रहे हो, जो उससे भी बहुत नीचे के लेवल पे थे और आज इस लेवल पे है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता? तो ये गरीब और अमीर बीच में कहां से आ गया? गरीब के लिए भी 24 घंटे हैं और अमीर के लिए भी। एग्जैक्टली, बल्कि इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ध्यान से समझना। पैसे के वे में इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि पैसे के वे में तो एक अमीर के पास में मान लो पीछे से 10 करोड़ है और यहां से जिसको आप गरीब कह रहे हो मान लो उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। बट इन टर्म्स ऑफ टाइम इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं। चाहे वो अमीर का बेटा है चाहे गरीब का बेटा है, अगर अपने इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, मान लो बहुत अमीर का बेटा है और इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, उल्टे सीधे कामों में टाइम खराब करेगा, तो जो है वो भी सब जाएगा और जाता ही है लोगों का। ध्यान से समझना, इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि अगर ये टाइम की वैल्यू आज आपको समझ आ गई और आप एक गरीब बैकग्राउंड से भी हो तो फ्यूचर में आप बहुत अमीर हो जाओगे। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताता हूं, शायद आप समझ पाओ मेरी इस बात को। मैं पहले बिजनेस का एग्जांपल दूंगा, फिर टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन से बिजनेस कर रहा होगा वो क्या कहेगा? कहेगा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है जो ब्रांड 1 या 2 दिन में नहीं बनता है, जिसको बनने में 5 साल लगेंगे, उसके लिए मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक बार मेरा ब्रांड बन गया और उस ब्रांड की रिकॉल वैल्यू है, तो ये जो मार्केट है जो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, जहां पे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं और जहां पर मार्जिन्स ऑलमोस्ट 0 हैं, एक बार मेरा ब्रांड बन गया तो मैं जिस रेट में चाहूंगा उस रेट में बेचूंगा अपने माल को। अब यही जो बात मैंने बिजनेस में बोली, इसको लगाओ टाइम के कॉन्सेप्ट में। एक तरीका क्या है कि जैसे अभी सब अपने टाइम को यूज कर रहे हैं, बल्कि यूज क्या कहूंगा, मिस यूज कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर नॉट यूजिंग देयर टाइम, दे आर जस्ट मिस यूजिंग देयर टाइम। तो आप भी भेड़ चाल में उसी तरह से अपने टाइम को मिस यूज करो। दूसरा है, आप ब्रांड के बारे में सोचो।
वहां पर तो ब्रांड कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, यहां पर ब्रांड क्या है? आप खुद. एग्जैक्टली किसने बोला ये? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल दीस पीपल. अगर अपने टाइम को ढंग से यूज करोगे अनलाइक अदर पीपल, तो क्या आप आने वाले 10 साल बाद खुद अपने आप में एक ब्रांड नहीं बन जाओगे? यानी मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो एक तो ये है कि आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हो और जो सारा कंट्रोल है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है. एक है आप खुद कुछ इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गए हो कि एम्प्लॉयर्स आपके पीछे भाग रहे हैं. इसी को तो ब्रांड बोलेंगे. कि सब चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में आओ. अब आप चूज करोगे कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और कितने टाइम तक काम करना है, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, अपनी टर्म्स पे. इसी को तो ब्रांड बोलेंगे. क्या जॉब में ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते हैं. जिनको कंपनी चाहती है, जिनकी डिमांड ज्यादा है ऐसे लोगों की, सप्लाई कम है, उसी को तो ब्रांड बोलेंगे. और कब आप ब्रांड बन पाओगे? जब आज अपने टाइम की वैल्यू समझ जाओगे बेस्ड अपॉन कि 10 साल बाद आपको क्या अचीव करना है. क्योंकि अगर पूरा दिन वेस्ट हुआ तो अभी हमने जो कैलकुलेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ? 4,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया. तो वो नुकसान आपको एक्चुअल में फील होना चाहिए. जब एक्चुअल में आपके 4,000 का नुकसान होता है, मानो आपके पर्स में 4,000 रुपए है और किसी ने पर्स मार लिया, कितने दिन तक याद रहता है? पूरी जिंदगी याद रहता है. पोतों को बैठ करके कहानी सुना रहे होते हैं, जा रहा था बस में से वो निकाल लिया. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बट कितने दिन उन्होंने अपनी लाइफ में खराब करे, उसकी कोई कैलकुलेशन है? नहीं है. इसका मतलब क्या है? वो एक मीडियोकर इंसान है, वो विजनरी नहीं है. एक विजनरी में यानी दूर की सोच रखने वाले में और एक छोटी सोच वाले में यही सबसे बड़ा फर्क होता है. तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता है कि आप क्या चाहते हो कि अगले 10 साल बाद क्या होना चाहिए. होगा वही जो आप आज करोगे. और आज किसके बेस पे करोगे? जब ये टाइम की वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अब कितने लोगों को अच्छे से समझ आ गई है टाइम की वैल्यू? सबको आ गई है? यस सर नो? यस सर नो? यस सर नो? बहुत बढ़िया. चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.